बागवान भाइयों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Z1 एप्पल वैरायटी की। जी हाँ, Z1 एप्पल वैरायटी। ये वैरायटी हिमाचल में अभी नई है, जिस कारणवश हमारे काफ़ी सारे बागवान भाई इस वैरायटी के विषय में अनजान है। जैसे कि इस वैरायटी का कलर और साइज़ कैसा रहेगा, इसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसमें फर्स्ट सैंपल कब आएगा, अच्छे पॉलिनेशन के लिए कौन सी पॉलिनेटर वैरायटी लाभदायक रहेगी, कितनी एलिवेशन तक इसे लगाया जा सकता है और साथ ही हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही इसके अलावा हम आपको इस वैरायटी के विषय में कुछ लाइव अपडेट्स भी देंगे उन फार्मर्स की जिन्होंने अपने ऑर्चर्ड में इस वैरायटी को आजमाया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Z1 एप्पल वैरायटी एक सेमी स्पर वैरायटी है जिसके ऑनर है फैनो लिमिटेड। बात करें इसके ओरिजिन की तो इसे रेड डिलीशियस हैपके के म्यूटेशन से बनाया गया है। अब बात करते हैं फ्रूट कलर, फ्रूट साइज और फ्रूट स्किन की। इस वैरायटी के सेब का कलर डार्क रेड यानी गहरा लाल है और पूरे सेब पर इसका रंग एक समान रहता है। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ काफ़ी अच्छा बनता है, यानी मीडियम से लेकर लार्ज तक इसमें साइज़ बनता है। रेड डिलीशियस की जितनी भी वैरायटी है उसी तरह इस वैरायटी में भी साइज़ अच्छा बनता है। फ्रूट स्किन की बात करें तो इसकी स्किन स्मूथ, थिक और वाइट लेंटिकल्स के साथ आती है, यानी इसकी त्वचा पर आप गहरे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ परफॉर्मेंस की। इसकी ग्रोथ लो से लेकर मीडियम तक रहती है। पॉलिनेशन में दोस्तों, आप अच्छे पॉलिनेशन के लिए ग्रैनी स्मिथ, गाला की सभी वैरायटीज़, गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्डन, रेड फ्यूजी इत्यादि, ये सारी वैरायटीज़ इसके अच्छे पॉलिनेशन के लिए कारगर है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। इसे आप 5000 से लेकर 7000 तक की हाइट तक लगा सकते हैं, यानी मीडियम बेल्ट के लिए ये एक बेहतरीन वैरायटी है। इसके बाद बात करें इसके फर्स्ट सैंपल की, तो सीडलिंग पर यदि आप इसे ग्राफ्ट करते हैं तो चौथी साल में फसल देना ये वैरायटी शुरू कर देती है। उसी तरह रूट स्टॉक पर तीसरी साल में फसल देना शुरू कर देती है, टॉप ग्राफ्टिंग में दूसरी साल में फसल देना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग टाइम की। जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद अब हम आपको लाइव अपडेट देंगे मिस्टर अवनीश चौहान जी के ऑर्चर्ड से, जहां पर इन्होंने इस वैरायटी को आजमाया है। उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। ये फैनजेड है जिसको कि Z1 भी बोला जाता है, तो ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट डिलीशियस की वैरायटी, सेकंड ईयर सैंपल है Z1 का। ये आप देख सकते हैं, ये जो सबसे डार्क इसमें कलर है अभी तक, ये आप देख सकते हैं इसमें रस्टिंग 9 के ऊपर विदाउट फर्टिगेशन भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं आई है, और ग्रोथ वाइज ये काफ़ी विग्रस ग्रोथ है इस प्लांट की। तो ये आप देख सकते हैं Z1, और इसका जो सूटेबल एलिवेशन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो मेरे हिसाब से आप इसको 5500 से ऊपर, 5000 से ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, मैक्सिमम 7000 फीट तक, 5000 से 7000, फिर 7000 से थोड़ा सा ऊपर आप 7200 तक इसको ले जा सकते हैं, फिर वहाँ से ऊपर ये शायद हो सकता है कि साइज़ में प्रॉब्लम दे।
तो ये 9 का फ्रूट है, 9 पे साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, सीडलिंग पे सिर्फ साइज़ में हल्का सा साइज़ इससे कम होगा, बट इसका जो कलर है, इसकी जो शेप है, ये बिल्कुल नेचुरल है, विदाउट PGR है, विदाउट फर्टिगेशन है, एक दो बार इस बार ड्रिप चला है। तो ये Z1 है, 100% कलर और काफ़ी हाई कलर वेराइटी है। तो इसका जो कलर डेवलपमेंट है वो वॉलनट स्टेज के बाद ये कलर छोड़ना स्टार्ट करता है, तो एक साइड से ये लाल हो जाता है, लेकिन अंदर वाली साइड से जो है इसमें स्ट्रिप्स में कलर आता है, तो उस वजह से इसमें साइज़ भी अच्छा आ जाता है। हाई कलर होने के साथ साथ ये एक अच्छे साइज़ वाली वेराइटी भी है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस वेराइटी का काफ़ी अच्छा लग रहा है Z1। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।